तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में गेम खेलते हैं तो ये वाला जो ऐप है आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। गेमिंग जोन ऐप होती है जिसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट्स के साथ क्या नए चेंजेस किए गए और एक्चुअल में ये ऐप क्या काम करती है, सब मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिलती रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताने वाला हूँ, मैं गेमिंग हब ऐप के अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि गेमिंग करने के लिए बहुत अच्छी ऐप है और गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा इंक्रीज करती है। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे एंड देन अपडेट वाले सेक्शन पे चले जाना है। जैसे ही आप अपडेट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको नया अपडेट मिल रहा होगा गेमिंग हब्स करके आपको नया अपडेट मिल रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर, तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 5 अप्रैल को इस अपडेट को रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर है 7.0.10.2 और जिसका साइज़ है 18 MB का, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस फीचर, इस अपडेट्स में तो ऐसा कुछ नया चेंजेस नहीं दिया गया। नीचे की तरफ आएंगे तो ये ऐप काम क्या करता है। नाउ गेमिंग हब इज़ अ हब टू प्ले ऑल गेम्स, नॉट ओनली द गेम यू इंस्टॉल बट गेम दैट कैन प्ले विदाउट डाउनलोड। यू कैन ट्राई वेरियस गेम्स ऑफ गेम विदाउट डाउनलोडिंग एनीथिंग, एंडलेस फन। रिप्ले योर फेवरेट गेम विद ईजी फ्रॉम द टूल बार। गेमिंग हब इज दैट यू आर वेरी एवरी स्टेप टू द वे टू फॉर रनिंग गेम्स, मैनेजिंग फोल्डर to deleting and managing games. Enjoy your games through smart way with the additional requirement of various games. Game booster can help you avoid additional touches while playing game. Check out the most popular games among the Galaxy user. अब इतना सारा मैंने पढ़ लिया भाई, इसका मतलब ये है कि गेमिंग हब आपको क्या करता है, एक यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप विदाउट गेम को इंस्टॉल करें प्ले कर सकते हैं, इंस्टेंट प्ले कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग करें, और अच्छे से अपना गेम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और बहुत सारे गेम्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एक आपको एक फीचर मिलता है गेम बूस्टर, जो कि अगर आप हैवी गेम्स खेलते हैं उसका एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा इनहांस करने के लिए वो गेमिंग बूस्टर भी यहाँ पर दिया जाता है। तो इसको अपडेट करने के बाद मैंने कर लिया यहाँ पर इसको ओपन, तो ओपन करते ही आपको ऐसा आपको यहाँ पर इसका वो दिखेगा, प्ले और इंस्टॉल सम गेम टू सी देम देयर, ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे हैं, ये आप डायरेक्टली खेल सकते हैं, आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली यहाँ पर प्ले पे क्लिक करना है और वो गेम ऑटोमेटिक वहाँ पर गेम प्ले पे चले जाएगा आपके सामने। मैंने सिंपल क्लिक करा और वो गेम क्लिक होने में चला गया, आपको डायरेक्ट स्टार्ट करने का ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे गेम्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आप देख रहे होंगे जो उनसे भी आपको गेम खेलना है, रिकमेंड्स यू यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, रिकमेंड्स बाय यू दिख जाएंगे, ट्रेंडिंग गेम्स मिल जाएंगे आपको, जो भी ट्रेंडिंग गेम्स है वो देखना है, इंस्टेंट प्ले जो आप डायरेक्टली खेल सकते हैं विदाउट एनी कुछ भी करे, सिंपली आपको क्लिक करना है और वो गेम चालू हो जाएगा। इतने सारे इंस्टेंट प्ले आपको दिख रहे होंगे गेम्स, आपको जो भी क्लिक करना है फट से क्लिक करो और फट से चालू हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे ये वाला ही क्लिक करना है, स्काई ब्रिज, मैंने सिंपली यहाँ पर प्ले पर क्लिक किया और वो प्ले होना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्ले होना चालू हो गया, लोडिंग हो गई है और नेक्स्ट पर जाके ही प्ले हो जाएगा, कोई डाउनलोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, सिंपली सिंप वो डायरेक्टली हो गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फीचर काम करता है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे, आपको जो भी देखना हो कैटेगरीज वाइज सब डिफरेंट अपने अपने आप से आप देख सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल्स, अब बात करें इसके अंदर कमाल के फीचर्स के बारे में। तो वो कमाल के फीचर्स हैं, आपकी गेमिंग प्रोफाइल, आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है जिसके अंदर सारे मैसेज नोटिफिकेशन सब आपको यहाँ पर ही दिख जाएंगे। इस प्रोफाइल के अंदर सारे नोटिफिकेशन आपके सेव हो जाते हैं। यहाँ पर जाएंगे बुकमार्क्स में, जो भी आपको गेम को बुकमार्क करना है वो कर लीजिए। यहाँ जाएंगे गेम बूस्टर पर, जो मेन काम की चीज़ है गेम बूस्टर। तो यहाँ पर आप अगर हैवी गेम खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि गेम खेलते रहें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आप यहाँ पर ब्लॉक ड्यूरिंग गेम लगा सकते हैं कि जब भी मैं गेम खेलूँ नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाए, नेविगेशन गैजर ब्लॉक हो जाए, ऑटो ब्राइटनेस ब्लॉक हो जाए, बिक्सबी ब्लॉक हो जाए, एज पैनल ब्लॉक हो, सब कुछ ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाए, और जो भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑटो टच मतलब फालतू कहीं भी टच हो रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मिनट तक वो सब ब्लॉक हो जाए 3 मिनट तक। उसके बाद सेव पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन, तो जब भी आप इसको खेल रहे हो तो उसकी पावर सेव हो जाए और टच प्रोटेक्शन हो जाए ताकि कोई भी टच ना कर सके। शॉर्टकट बार आपको एक मिल जाएगा वहाँ पर, शॉर्टकट्स बार में क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे तब जैसे स्क्रीनशॉट लेना, अगर मान लो कोई आप लोग हैवी गेम लेते हैं फिर स्क्रीनशॉट लेके डालते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग होकर डालते हैं, तो
वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। लाइक रिकॉर्ड डाल दिया तो वीडियो रिकॉर्ड करना ऑप्शन मिल जाएगा आपको। स्क्रीन रेजोल्यूशन के स्क्रीनशॉट कितने परसेंट पे आएगा, स्क्रीन फॉर्मेट कौन सा रहना चाहिए, गेम की अगर आप हैवी गेम खेलते हैं तो आपको उसको परफॉर्मेंस में कर दो और गेम का एक्सपीरियंस आपको हैवी मिलेगा, लैगिंग की हैंगिंग की ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, बट वो बैटरी बहुत ज़्यादा खाएगा। अगर आपको बैटरी सेव करना है तो बैटरी सेवर लगाना होगा या नॉर्मल स्टैंडर्ड पर आपको खेलना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक लैब का फीचर मिलता है जो कि अनडेवलपमेंट आपको मिल जाते हैं, अल्टरनेट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, और हैवी आपके गेम ऑपरेशन मिलेगा, बट गेम और हैवी गेम मिलेगा तो हैवी बैटरी भी यूजेज होगी आपकी। उसके बाद नीचे जाएंगे अबाउट गेम बूस्टर, ये भी अलग से अपडेटेड होता है, ऐप ऑलरेडी अपडेटेड है, तो इस तरीके से वाला फीचर काम होता है। अब मैं आप उसको एक बार यूज़ करके दिखाऊँ उस गेम उस बूस्टर को। तो जो गेम बूस्टर वाला है ना, जब भी आपने कोई डाउनलोड करके गेम खेलोगे तो वो उसमें काम करेगा, आप इंस्टेंट गेम वाला खेलेंगे उसमें वो काम नहीं करेगा। तो गेम बूस्टर वाला जो फीचर है ना, वो तब काम करेगा जब आप वहाँ पर हैवी को गेम्स खेलेंगे, तो तब वो आपका गेम वाला फीचर काम करेगा। फिलहाल आपको यही ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपको नॉर्मल यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, डार्क मोड जो भी आपको चलाना है। बट जो गेम बूस्टर वाला जो फीचर है दोस्तों, वो तब काम करेगा जब आपने कोई गेम डाउनलोड करके कर रहे हो, जैसे कि मैं इंस्टेंट करके प्ले कर रहा था उसमें काम नहीं करेगा। और जो भी गेम्स आप अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चलाएंगे तो उसके अंदर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हैवी देने वाला है। और उसके साथ साथ ये ऐप जो गेमिंग जोन है ना, बहुत ही शानदार है, सैमसंग गैलेक्सी के लिए समझो आप बेहतरीन ऐप्स है यार भाई। बहुत सारे गेम्स हैं इंस्टेंट प्ले करने के, मैंने बहुत सारे गेम्स प्ले करे और सभी हैवी और सभी अच्छे काम कर रहे हैं। यही नया अपडेट था, ऐसे ही आप गेमिंग जोन के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस अपडेट में खाली बक्सेस और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया गया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ यार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। सबसे ज़रूरी चीज़, व्हाट्सएप पे भी मुझे फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको फटाफट मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच।